हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। आज हम बनाएंगे चिकन का रेड कोरमा और प्लेन पुलाव। दोस्तों, बिरयानी और पुलाव के अलावा कुछ स्पेशल बनाना हो तो ये कॉम्बो बेस्ट रहेगा। तो चलिए जानते हैं सारे टिप्स के साथ इसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए। 1 kg चिकन में 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर पीसेस पर अच्छे से मल लेंगे। मैंने 1 चिकन में 12 पीसेस करवाए हैं। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चिकन के पीसेस का साइज रखिएगा। मसालों को हमें चिकन पीसेस पर अच्छे से लगाना है। लेग पीसेस पर इस तरह से 1-2 कट्स भी लगा लेंगे और मसाला इसके अंदर तक अच्छे से लगाएंगे। मसाला लगाकर चिकन को 15 से 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। प्याज को स्लाइस कट करके 1.5 कप प्याज और 1 कप टमाटर ले लिया है। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम चावल को भी धोकर भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बांग्लादेश के खुशबूदार चीनी गुड़ा चावल लिया है। इंडिया में भी पुलाव राइस छोटे खुशबूदार चावल अवेलेबल होते हैं, नहीं तो आप बासमती भी ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चावल को कम से कम आधा घंटा भिगोकर बनाएंगे तो काफी अच्छे बनते हैं। चिकन का खोरमा बनाने के लिए 1 पाव तेल गरम करके इसमें 2 इंच दालचीनी और 8 से 10 लौंग ले लें। इसमें 1.5 कप प्याज डालकर इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक तेल में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस स्टेज पर अगर प्याज को लाल नहीं करेंगे तो बाद में ये नहीं गलेगी और खोरमे की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए इस स्टेज पर प्याज को लाल होने तक तलना जरूरी है। अब इसमें शामिल कर दें 1 कप टमाटर और थोड़ा सा नमक डालकर टमाटर को नरम होने के लिए ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3-4 हरी मिर्च और 1 पाव नारियल का पेस्ट। इससे खुरमे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी। इसे हमें 2-3 मिनट तक तेल में अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। अब इसमें डाल दें मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे भी 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चिकन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही 1-2 दिन का पुराना लेंगे। मैच्योर दही किसी भी मीट का टेस्ट बढ़ा देता है और दही चिकन को टेंडराइज करके इसे गलने में मदद करता है। दही में चिकन को हम ऑयल के सेपरेट होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालकर, या फिर आपको जैसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी डालकर, लिड लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ये हुआ नहीं है, इसमें 1-2 मसाले और भी जाएंगे। तब तक हम पुलाव बना लेंगे। 1 भगोने में 1 पाव कप तेल और 2 टेबलस्पून देसी घी डालकर इसे गरम कर लें। खड़े मसालों में इसमें जाएंगे 2 इंच दालचीनी, 1 स्टार एनिस, 1 चम्मच शाही जीरा, 4 से 5 हरी इलायची और 6 से 8 लौंग। अब इसमें डाल दें 1 कप या 2 मीडियम साइज के स्लाइस कट की हुई प्याज, 5-6 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। खुशबू आने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर दें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 मीडियम साइज के टमाटर। अब इसमें जाएगा 1/2 कप पुदीना। इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए पुदीने की खुशबू आने तक और प्याज के लाल होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। दोस्तों, मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, मैं इसे अभी शामिल कर रही हूँ। आप इसे खड़े मसालों के साथ ही डाल दीजिएगा। अब इसमें डाल दें पानी। आपने जितने चावल लिए हैं उसका डबल पानी लगेगा। जैसे मैंने 5 कप चावल लिए हैं तो मैं इसमें 8 कप पानी और 1 कप दूध और 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। और इसमें डाल दें 2.5 चम्मच नमक और इसे चक्कर टेक ले। चकने पर थोड़ा सा नमक लगना चाहिए, तभी चावल डालेंगे तो नमक बराबर होगा। पानी उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल।
बिगिनर्स के लिए इस तरह हाथ से चावल डालना अनसेफ हो सकता है। आप पहले चावल को छन्नी में छान लीजिएगा, फिर छन्नी से उबाल में चावल को शामिल कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें। जैसे ही पानी थोड़ा कम हो जाएगा, फ्लेम मीडियम करके 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको चूल्हे के पास से हटना नहीं है। जैसे जैसे चावल पकते जाएंगे, फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे, नहीं तो चावल जल जाएंगे। पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब फ्लेम को एकदम लो करके दम होने के लिए लिड लगाकर 4-5 मिनट के लिए रखेंगे। हमारा चिकन कोरमा भी बनकर तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को एक बार मिक्स करके और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब जस्ट फ्लेम बंद करने से पहले बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 नींबू का रस डालकर मिक्स करके फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा चिकन कोरमा एकदम तैयार है। चावल भी दम होकर एकदम तैयार है। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। अब बस ऊपर की लेयर को इस तरह हल्के हाथ से पलटाएंगे और 10 मिनट तक लिड लगाकर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, चिकन कोरमा और प्लेन पुलाव का कॉम्बिनेशन सुपर्ब होता है। सारा घर खुशबू से महक रहा है। आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने गेस्ट और घर वालों को इम्प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी रेसिपी अच्छी से अच्छी बने। थैंक यू।